लगातार 35 दिन से पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है और आज भी पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हालांकि कच्चे तेल के दाम में तेजी बनी हुई है और कल के क्रूड बास्केट के दाम में भी इजाफा देखा गया। मोदी सरकार ने 3 नवंबर को पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी क्रमशः 5 रुपये और 10 रुपये घटाई थी, जिसके बाद 5 नवंबर को इन फ्यूल के दाम में कटौती हुई है। इसके कुछ दिनों बाद राजधानी दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपये वैट घटाया था, जिसके बाद यहां भी पेट्रोल के दाम कम हुए थे। दिल्ली में पेट्रोल 95.41 रुपये जबकि डीजल 86.67 रुपये प्रति लीटर पर मिल रहा है। मुंबई की हम बात करें तो मुंबई में पेट्रोल 109 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है और डीजल की कीमत जो है वो 94 रुपये प्रति लीटर पर है। कोलकाता की हम बात करें तो पेट्रोल का दाम 104 रुपये है, वहीं डीजल का 89 रुपये बताया जा रहा है। चेन्नई में पेट्रोल का दाम 104 रुपये है, वहीं डीजल का दाम 89.79 रुपये प्रति लीटर पर है। यानी कि 35 दिन से कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन अगर तमाम महानगरों की हम बात करें तो अब भी वहां पर पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो बेहद ज़्यादा हैं। हालांकि दिल्ली सरकार ने कुछ दिन पहले ही बड़ा फैसला लिया था, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि सबसे सस्ता जो पेट्रोल है इन महानगरों में वो दिल्ली में ही मिल रहा है। केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कुछ दिन पहले ही पेट्रोल की कीमतों में बदलाव किया था।